तो दोस्तों इस साल टीम आरसीबी काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी और आईपीएल भी बहुत ज्यादा रोमांचक चल रहा था। लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से पूरे आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आईपीएल की स्टार्टिंग हो रही है यूएई के अंदर, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी को लेकर, आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर, मोहम्मद अजीदीन को लेकर, एडम जंपा की रिप्लेसमेंट को लेकर काफी बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर सामने आ गई है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्लिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है मोहम्मद अजीदीन को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद अजीदीन को इसी आईपीएल 2021 के ऑक्शन के अंदर यहां पर टीम आरसीबी ने शामिल किया था, और ऐसे में दोस्त आपको बता दूं कि अभी तक इनको एक भी मुकाबले में खिलाया नहीं गया है। और दोस्तों इस बात से यहां पर मोहम्मद अजीदीन काफी ज्यादा निराश हुए हैं, और दोस्त अपनी नाराजगी को यहां पर बयां करते हुए अपने बयान में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात यहां पर टीम आरसीबी को कह दी है। दरअसल दोस्तों का कहना है कि यहां पर हर खिलाड़ी को मौके मिलने चाहिए, ऐसे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, और आईपीएल के अंदर यहाँ पर बड़े खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर अनकैप खिलाड़ी को खिलाने को ही आईपीएल कहा जाता है, नियम है खिलाना भी चाहिए। और ऐसे में अगर बिना खिलाए किसी खिलाड़ी की यहाँ पर क्षमता को देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। और ऐसे में प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, और मैं अभी तक अपने प्रैक्टिस सेशन में किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यूएई के अंदर जो आईपीएल होएंगे, जो बचा हुआ फेज टू खेला जाएगा 31 मुकाबलों के अंदर, उसमें भरपूर यहाँ पर टीम आरसीबी से सहयोग की यहाँ पर इच्छा करता हूँ, और मैं चाहता हूं कि यहां पर टीम आरसीबी मुझे मुकाबलों में जरूर से जरूर मौका दे, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, और इसके लिए मैं अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं। आईपीएल एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसमें अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहता हूं। इसके लिए बस इतना ही है कि यहां पर टीम आरसीबी मुझे खेलने के मौके दे, चांसेस दे, और ऐसे में मैं इन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या यहां पर मोहम्मद अजीदीन को अगर मौके मिलते हैं यहां पर यूएई के अंदर, तो क्या वो बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वहीं बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों यहां पर आईपीएल फैंस जो हैं वो काफी बेसब्री से अब यहां पर आईपीएल 2021 का जो फेज टू होने वाला है उसके शेड्यूल का काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अपडेट थी कि इस महीने के एंड तक यहां पर, दोस्तों यहां पर जून के एंड तक यहां पर जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। और दोस्तों सोमवार तक यहाँ पर अपडेट थी कि यहाँ पर सोमवार को डेफिनेटली जो आ जाएगा यहाँ पर शेड्यूल है, लेकिन दोस्तों उस दिन नहीं आया है। और ऐसे में दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट निकलकर सामने आ गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने है कि यहाँ पर दोस्तों 19 सितंबर से यहाँ पर 15 अक्टूबर तक नहीं, बल्कि यहाँ पर 19 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यहाँ पर दोस्तों बचा हुआ जो आईपीएल होगा। दरअसल दोस्तों ये अपडेट थी कि यहाँ पर 15 अक्टूबर तक आईपीएल चलने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल आई अपडेट के मुताबिक अब कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर दोस्तों 19 सितंबर से लेकर यहाँ पर दोस्तों 10 अक्टूबर तक यहाँ पर दोस्तों जो बीसीसीआई है वो आईपीएल करवाएगी। दरअसल दोस्तों अगली सीरीज जो होने वाली है T20 वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ऐसे में खिलाड़ियों को यहाँ पर रेस्ट मिलना जरूरी हो जाएगा। और दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीसीसीआई ने यहाँ पर दोस्तों आईपीएल के 5 दिन कम कर दिए हैं, और ऐसे में दोस्तों आपको जो बचा हुआ जो आईपीएल है वो 19 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यहाँ पर दोस्तों यूएई के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए, यहाँ पर टीम्स के लिए काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में अब डबल हेडर जो मुकाबले हैं वो बढ़ जाएंगे, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ियों को यहाँ पर दिन में मुकाबले खेलने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी जो है दिन में मुकाबले यूएई के अंदर नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि दोस्तों यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी को झेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खिलाड़ियों के लिए, और ऐसे में दोस्तों उनको झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो बचा है नहीं। और ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर 2-2 मुकाबले देखने को मिलेंगे, डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वहीं बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है एडम जंपा की रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल दोस्तों यहां पर एडम जंपा का जो स्लॉट है वो काफी लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है यहां पर टीम आरसीबी के अंदर, और ऐसे में दोस्तों टीम आरसीबी जो स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर टीम आरसीबी ने
एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के साथ कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई के रूल के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऐसे खिलाड़ी को यहाँ पर एंटर कराया जा सकते हैं यहाँ पर टीम आरसीबी के अंदर, जिनका यहाँ पर बेस प्राइस जो यहाँ पर है जो है उनका बेस प्राइस होगा वो दोस्तों एडम जंपा के बेस प्राइस के इक्वलेंट ही होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक खिलाड़ी ही बचता है ऐसी कंडीशन में जो कि यहाँ पर दोस्तों एडम जंपा की काबिलियत के बराबर है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि एक खिलाड़ी यहाँ पर दोस्तों संदीप लामिछान है, जो कि यहाँ पर दोस्तों नेपाल के काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हैं और एडम जंपा के एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़े ही दिनों में यहाँ पर दोस्तों इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि एडम जंपा के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर दोस्तों संदीप लामिछान ने अगर यहाँ पर टीम आरसीबी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर टीम आरसीबी को कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं यहाँ पर दोस्तों यूएई के अंदर। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके जो भी ओपिनियन होंगे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियोस। वीडियो के अंदर मैंने आपको आज की यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।